सो वेरी वॉम गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माई चैनल द इंजीनियर एंड एनालिस्ट आई होप यू आर डूइंग फाइन फैबुलस आप सब बढ़िया हो गए तो आज का मैंने वीडियो इसलिए बनाया है इफ़ यू रिमेंबर टू मंथ्स बैक आई वॉज प्रमोटिंग वन ऑफ द ई टी एफ ऑन पे टी एम मनी दैट इज माइरा एसेट फैंग प्लस एन वाई एस सी ई टी एफ आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि नाउ विद पे टी एम मनी एंड विद दिस ई टी एफ कमिंग अप यू आर गेटिंग दी पार टू परचेज दी इंटरनेशनल टॉप टेन स्टॉक्स आप इस ई टी एफ के थ्रू जो अंडरलाइन टेन स्टॉक्स हैं बीट फेसबुक एमज़ोन एप्पल निविडिया गूगल यू विल बी एबल टू हैव अ टेस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारा स्टॉक है ये जो हमारा ई टी एफ है ये यू एस के टॉप टेन स्टॉक्स को ट्रैक करेगा इनिशियली इन टॉप टेन स्टॉक्स का जो वेटेज है वो टेन परसेंट है हर स्टॉक का टेन टेन परसेंट है एंड दैट इज़ मेकिंग इट हंड्रेड परसेंट

It has given a return of 10 point. फाइव परसेंट विद इन वन मंथ जब यह लिस्ट हुआ था तो फोर्टी सेवन पॉइंट एट जीरो रुपीज़ पर हुआ था एक शर का प्राइस और अभी इसने आपको टेन पॉइंट फोर परसेंट दे दिया है विद इन वन मंथ सो वाई आई एम शोर यू दिस एंड आई हैड टेक इन टू लॉट्स माई इन्वेस्टमेंट वॉज इनिशियली यू कैन सी हीयर इन माई पोर्टफोलियो दैट माई इन्वेस्टमेंट वॉज नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन एंड नाउ द करंट वैल्यू इज इलेवन थाउजेंड एटीन सो आई हैव गॉट अ रिटर्न ऑफ टेन परसेंट ऑन दिस अगर मैं बैंक में करती एफ डी में करती तो मुझे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता

सो आई थिंक दैट दोज ऑफ यू हु हैव इन्वेस्टेड दे हैव गॉट अ फेयर गुड रिटर्न एंड मैनी ऑफ यू हैव बिन आस्किंग मी दैट मैम वैन शुड वी विदड्रॉ तो अभी विड्रॉ करने का टाइम नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल आपका ई टी एफ है और जो इसमें स्टॉक्स हैं वो दस के दस बेहतरीन स्टॉक हैं उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं सो माई सजेशन इज दैट एटलीस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ई टी एफ फॉर वन ईयर एक साल में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि एटलीस्ट ये आपको 45 फाइव से फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रिटर्न दे के जाएगा तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं जब प्राइस मेरा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है जब भी मैं कोई ट्रेड लेती हूँ या इन्वेस्टमेंट करती हूँ कि ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए वॉट इन्वेस्टमेंट्स यू आर डूइंग गो फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड इफ यू थिंक मार्केट डिप पर आ रही है देन गो फॉर द एवरेजिंग अगर वो ई है तो ई लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही दे जाएगा तो आप अगर उसको डॉलर कॉस्ट या रुपी कॉस्ट एवरेज कर लेते हैं तो आपके लॉस के चांसेस और भी कम हो जाते हैं और आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाता है सो आई होप यू हैव बीन सब्सक्राइब टू द चैनल जिसने भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ठीक है और टाइम टू टाइम मैंने आपको अपना मेल आई भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज हैं यू कैन राइट टू मी एंड स्टे सेफ स्टे ग्राउंडेड स्टे ब्लेस्ड टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक इट थैंक यू सो मच